उन लोगों के हर नेता का नाम मैं बोलने का जरूरी नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, खासकर हमारे माइनर के भाइयों ने आप लोग सब जानते हुए, और इस जलसा में 4-5 घंटे से भगर पानी सब छोड़कर ये जलसा को कामयाबी करने के लिए हमारे मुसलमान भाइना हमारे भाइयों ने 5 घंटे से यहां बैठा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी भाइयों ने कितना प्यार करते हैं, कितना मदद देते हुए यहां इंदिरा पार्क धरना चौक में देखे तो पता लगेगा। भाई, जलसा का मतलब कोई चुनाव नहीं है। इस जलसे में हमारे कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता गण आप लोगों को वोट मांगने के लिए जलसा नहीं बनाए। ये जलसा बनाए इसीलिए ये देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कुर्बानी ने दिए। लोगों का तरक्की होगा या माइनॉरिटी तरक्कियों के लिए तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन ने दिए। हम लोगों ने जब शब्बीर भाई ने कहा होम मंत्री गृह मंत्री किस किस को बनाए, इस देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंची कोई देश के पहला पर्सन होते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, बार बार मुसलमान भाइयों को हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मुख्यमंत्री बनाए हर जगह में। मैं ये बात कहना चाहता हूं सब लोगों को, मैं ये सब लोग हमारे भाई भी मंच से बोल रहे, भाई आप लोगों को, आप लोग कांग्रेस पार्टी को मदद दो। मैं उसके एक कदम आगे बढ़कर मैं ये बोलना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपकी है, ये आपका अमान है, ये आपका इज्जत है, ये आपका जगह है, आपका शान है। ये कांग्रेस पार्टी दूसरों का नहीं है, आपका मदद जरूरी नहीं है, आपके शान को बचाने का वजन उठाने का आपका जिम्मेदारी है। आप ये जिम्मेदारी छोड़कर कभी अच्छा दिखा बोल के अम्बेसडर में बैठे, कभी अच्छे मिला बोल के अच्छे दिखा बोल के पतंग लहराने का निजाम सरकार ने चलाया था हैदराबाद स्टेट। ये हैदराबाद स्टेट को ये टुकड़े ले जाके कर्नाटक में डाले, दूसरे टुकड़ा ले जाके महाराष्ट्र में जमा कर दिए, तीसरा टुकड़ा आंध्र प्रदेश में मिला है। 70 साल सरकार चली, ये 70 साल में अपने भला के लिए अपने हैदराबाद जो निजाम नवाब ने जो छोड़कर चला गए उनके निशाने, उन जो उम्मीद रखकर जो आंध्र प्रदेश में मिला है वो उम्मीद पूरी नहीं हुए। इसीलिए हमारे बच्चा हमारे नौजवानों नौकरी के लिए इज्जत के लिए हैदराबाद तरक्की के लिए कुर्बानी दिए, तो ये और आगे कुर्बानी कोई नौजवान कुर्बानी नहीं देना। अगर तेलंगाना में 4 करोड़ लोगों के लिए उनके भला के लिए तेलंगाना प्रदेश बनाए तो ये तेलंगाना प्रदेश में हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने उनके हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने आप लोग सोचो, आप लोग चर्चा करो, गली में चर्चा करो, मस्जिद में चर्चा करो, दरगाह में चर्चा करो, दर्जा से प्रगति भवन में चर्चा करो। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था
तब तब हमारे माइनॉरिटी भाइयों का तरक्की चला। 7 साल हो गए तेलंगाना हासिल कर लेके। मैं ये बात पूछना चाहता हूं इस मंच से, 4% रिजर्वेशन दी कांग्रेस पार्टी ने, ये 4% रिजर्वेशन दिलाने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने कितना कोशिश किए। हमारे बीच में है सो हमारे बड़े भाई शब्बीर अली साहब ने कितना मेहनत किए, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मैं। जिस दिन राजशेखर रेड्डी साहब ने मुख्यमंत्री था, तब दलित से भी, दलितों से भी बहुत गरीब में ये मुसलमान भाइयों जी रहा है, उन लोगों के लिए पढ़ाई में, सरकार नौकरियों में अगर रिजर्वेशन दिए तो आपके लड़का लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, ये देश को चलाए। तब आप खाली कांग्रेस पार्टी को और किसी को मोदी के खिलाफ मोदी से टक्कर लेने का ताकत खाली कांग्रेस पार्टी को है। ये तेलंगाना से अगर आप लोग 10-12 एमपीओं को कांग्रेस पार्टी को जिता के दिल्ली भिजाए तो आपके आवाज बनकर, आपके दिल के धड़कन बनकर हम लोग आपके तरफ आवाज उठा देते। मगर छेवल्ला पार्लियामेंट में 10-12 हजार से कांग्रेस पार्टी को हराए। जहीराबाद में आप लोग मदद देने के बावजूद भी 4,000 वोट कम मिले, वहां पर भी अपना अपना कांग्रेस पार्टी के एमपी हार गए। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जहीराबाद तो छोड़ो, छेवल्ला का मैं बात करना चाहता हूं, जिगर उठाना चाहता हूं। आप पूरा वोट निकालो, पूरा छेवल्ला, तांडूर, परगे, विकाराबाद, छेवल्ला, हर जगह में कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिले। मगर हैदराबाद में घुसते ही महेश्वरम, राजेंद्र नगर में टीआरएस को वोट मिले, मेजॉरिटी मिले। मैं पूरा आपका जायदाद और किसी ने कब्जा कर लेगा, ये जायदाद को आप लोग बचा लेना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता कोई नया नहीं है। 50-60 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, आने वाले दिनों में भी फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगा। मगर माइनॉरिटी, हमारे बच्चों को, भाइयों को, माइनॉरिटी लोगों को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करना है।